Hello and welcome back, dear students. This is Sri Hari sir, and today we are going to get information about the sixth standard's history. Okay, the chapter is the Vedic civilization. The Vedic civilization means the civilization which was developed in the period of the Vedas. We all know that in our ancient India there were four Vedas, and which are very famous and highly worshipped by the Hindu religion. So this age is known as the age of Vedas, and in this age which civilization is developed, that civilization is called the Vedic civilization. This civilization era is considered as the independent age to study the situation of that time. Us samay ke social, historical, economical, political ऐसे अलग अलग अंगों को पढ़ने के लिए हम इस वैदिक काल को एक इंडिपेंडेंट काल भी मानते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। इस वैदिक काल में जो सिविलाइजेशन डेवलप हो गई है उसको वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत पहले टॉपिक से होती है और वो है द वैदिक लिटरेचर। हियर इज ए वर्ड लिटरेचर, जिसका मतलब होता है साहित्य। साहित्य मतलब क्या है? वाङ्मय। So, दोनों भी वर्ड जो है हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए नए हो। वाङ्मय मतलब लिटरेचर, साहित्य और वाङ्मय, ये तीनों जो शब्द है वो एक ही अर्थ के हैं। इसमें क्या होता है, जो कवि होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो अपनी काव्य रचना करते हैं, तो इन रचनाओं को साहित्य कहा जाता है, उस रचनाओं को ही वाङ्मय भी कहा जाता है। अब रही बात, उस समय में जो भी ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने उनका जो ज्ञान है, उनको जो नॉलेज हुआ है, या फिर उन्होंने जो रिसर्च की है, उस सब को वाङ्मय के रूप में, साहित्य के रूप में लिख के रखा है। वेदों में इन अलग अलग लिखावट को अलग अलग नाम है, जैसे कि वर्स। तो ये जो वर्स वर्ड है, ये इसका मतलब होता है पद्य रचना, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इस लिटरेचर के बारे में भी जानकारी लेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से वेद थे और उस काल में किस तरह की सिविलाइजेशन डेवलप थी। तो आज शुरू करते हैं द वैदिक लिटरेचर से, मतलब वेदकालीन साहित्य। साहित्य मतलब काव्य रचना या फिर जो भी उस समय की लिखावट है, लिखे गए महान ग्रंथ है, तो उन ग्रंथों के बारे में हम जानकारी लेंगे। द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर इज नोन एज द वैदिक सिविलाइजेशन। कि जो वैदिक लिटरेचर के आधार पर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है उसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। द वेदास आर कंसीडर टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर। कि भाई जो वेद है वो हमारे भारत के प्राचीन क्या है, ग्रंथ है, और वो हमारे प्राचीन भारत का एक प्राचीन लिटरेचर माना जाता है। इतना ही नहीं, द वेदास वेर कंपोज्ड बाय अ मेनी सेजेस और ऋषिज। आपको पता है ये वेदास किसने लिखे हैं? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर साधु या संत का, महान संत का नाम डायरेक्टली नहीं आता है, तो ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना महान संतों, साधु पुरुषों ने की है। Some Vedic hymns were composed by women. तो वेदों में जो है hymns है, H-Y-M-S, hymns मतलब क्या है, उसमें की जो श्लोक होते हैं, है ना। तो श्लोक मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो रचना आई है उसको hymns कहा गया है। तो द वैदिक लिटरेचर जो लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा था उस समय। संस्कृत लैंग्वेज इज कंसिडर एज द गॉड्स लैंग्वेज, मतलब देववाणी कहा गया था। जैसे कि मैंने सेवन स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर में कहा था, संत नामदेव महाराज डायरेक्टली कहते हैं, संस्कृत वाणी जर देवे के लिए तर प्राकृत काय सोरा पसुनी झाली, है ना, मराठी में कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि अगर संस्कृत वाणी भगवान की वाणी है तो ये जो प्राकृत है मतलब मराठी है, ये क्या चोरों ने बनाई हुई भाषा है क्या? ऑब्वियसली नॉट माय डियर स्टूडेंट। हर एक भाषा जो है उसका उगम पुरुष मतलब इंसान ने ही तो किया है ना। तो हर भाषा समान है, हर भाषा उसकी जगह पर ग्रेट है, ऐसे कहने वाले संत एकनाथ महाराज का मैं अभी रेफरेंस आपको दे चुका हूँ।
भले ही यहाँ पे उसका कोई रेफरेंस ज्यादा नहीं हो, लेकिन संस्कृत के वजह से यहाँ पे रेफरेंस आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राचीनतम ग्रंथ है भारत के, वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो संस्कृत को ही क्या माना जाता है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, है ना, सभी भाषाओं की जननी है ना, संस्कृत को कहते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश देखो, मराठी देखो, हिंदी देखो, बहुत सारे वर्ड जो है वो संस्कृत से मेल जोल रखते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि द वैदिक लिटरेचर विच वॉज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ द इंडिया दैट वॉज रिटन इन संस्कृत, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट। अब ये चार वेद हैं, है ना, चार वेद, तो इसमें से सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेदा। द फर्स्ट वेद वॉज ऋग्वेदा, ऋग्वेदा वॉज द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ द वेदास। देर आर फोर वेदास विच आर थ्री रिमेनिंग, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आप मेरे साथ मतलब मेरे पीछे दोहराइए, फर्स्ट ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये हो गए चार वेद। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। ये जो वैदिक टेक्स्ट है इसको क्या कहा जाता है, संहिता। वैदिक टेक्स्ट को संहिता भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं संहिता में जो कुछ भी लिखा हुआ है। देखो अब एक वेद, वेद शब्द का अर्थ जानते हैं। वेद जो है ना, विद शब्द से बना है। सो व्हाट इज मीन बाय विद, VID, विद मतलब होता है नॉलेज। व्हाट इज मीन बाय विद, विद का मतलब है नॉलेज। सो द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रांसिशन माय डियर स्टूडेंट। वेदास मतलब क्या है, वेद मतलब नॉलेज, जिसमें ज्ञान है ना। अब मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ, ये जो वैदिक काल है ये बिफोर क्रिश्चियन एरा 500 ईयर्स माना जाता है। मतलब क्रिश्चियन एरा जब हम काउंट करते हैं उससे 500 साल पहले का जो समय रहा है तब से वेदों की रचना हो चुकी है। अब इस समय ना ही कोई लिखने का साधन उपलब्ध था, है ना, ना ही प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ऐसे हालात में कैसे वेदों को प्रिंट किया होगा, कैसे दूसरी जनरेशन को बताया गया होगा, दैट इज द क्वेश्चन। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, वेद को सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किया जाता था जनरेशन बाय जनरेशन। अब देखिए इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है ना। श्रुति, श्रुति मतलब श्रवण करना, जो श्रवण करने से अवगत होते हैं वो श्रुत ग्रंथ होते हैं। तो श्रुति का मतलब सुनने से अर्जन किए जाने वाले। तो आपको समझ में आया होगा कि तब गुरु बोलते थे और शिष्य बैठकर सुनते थे, उसका चिंतन करते थे, मनन करते थे और समझ लेते थे। आज हमारे पास इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कतें आती है या फिर जबरदस्ती समझाना पड़ता है ना माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं कुछ स्टूडेंट के बारे में कह रहा था। तो वो समय ही ऐसा था, तब हर एक को ज्ञान के बारे में क्या थी, जिज्ञासा थी। तो वेदों को श्रवण करके सुना जाता था और वो उसे चिंतन करते थे, मनन करते थे, और बाद में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये वेद पहुंचते गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि वैदिक सिविलाइजेशन को हमने शॉर्ट में समझा है, वेदास क्या है और वेदों को कौन सी भाषा में लिखा गया था, है ना, और वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने जाना है कि वैदिक लिटरेचर जो था एंशियंट लिटरेचर माना जाता है भारत का। इतना ही नहीं तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। सबसे पहला अगर वेद कौन सा हो गया तो ऋग्वेद था, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो रह बातें हैं, रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।